जय भीम टू ऑल, वेलकम टू नालंदा। और ये हमारा आज पहला क्लास है रीजनिंग का, तो सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिजिटल नालंदा की तरफ से। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, बस वेट करते हैं कि कुछ लोग और आएंगे, तो 2-4 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो 34 पीपल आ गए हैं, अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा टीस मुंबई से मास्टर्स हुआ है और अभी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे। तो रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ओके ओके थैंक्स। हाँ, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा एनालॉजी का। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ और हाँ, तो मैं फर्स्ट एनालॉजी का आपको मीनिंग बताऊंगी कि एनालॉजी क्या है। तो ये इमेज देख के आपको क्या पता चलता है, ये थोड़ा ऑब्जर्व करिए पहले। तो जैसे कि यहाँ पे एक टीचर दिख रही है, एक स्कूल है, नीचे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, तो इसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि एनालॉजी क्या है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सिमिलैरिटी दिखाते हैं, मतलब एनालॉजी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैविंग सिमिलैरिटी और एक करस्पॉन्डेंस, मीन्स दो चीजों में जो सिमिलैरिटीज होती है वो दिखाना है इसमें। जैसे कि टीचर बिलोंग्स टू स्कूल, डॉक्टर बिलोंग्स टू हॉस्पिटल, लॉयर बिलोंग्स टू कोर्ट, तो ये सब आपको ग्रेजुअली मतलब सबको पता है, लेकिन ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। अभी हमारे पास टाइप्स है एनालॉजी के चार, जैसे कि वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और मिक्स्ड एनालॉजी। तो ये चार टाइप्स के हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट दो एनालॉजी के जो टाइप्स है वो कवर करेंगे, जो है वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो मैं वर्ड एनालॉजी के बारे में बताऊंगी। तो इसमें क्या है, दो पेयर्स ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उसका कंपैरिजन, जिसके थ्रू हमें एक दो पेयर्स में रिलेशनशिप हमें डिस्कवर करना होता है। तो उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, मतलब रिलेशन कोई भी टाइप का हो सकता है, कि जैसे क्वांटिटी और यूनिट है, वर्ड सिनोनिम्स हो सकते हैं और अपोजिट्स भी हो सकते हैं उसमें, जैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री है उसका कैपिटल या करेंसी वो भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन उसका वर्किंग प्लेस क्या है वो हो सकता है, जो भी आपको लॉजिकल चीजें हैं वो सब उसमें हो सकता है, जैसे गेम और उसमें प्लेस ऑफ प्लेइंग, ये सब टाइप के हो सकते हैं एनोलॉजिस्ट। तो वो आपको टाइम पे पता चलेगा, इसके लिए थोड़ा जीके आना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें कुछ इजी होंगे जो कि आपको ऑलमोस्ट पता है, और कुछ थोड़ा हो सकता है लॉजिकल जो आपको स्टडी करने के बाद आ जाएगा।
अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे मैंने पहले दिखाया था, टीचर बिलोंग्स टू स्कूल, डॉक्टर बिलोंग्स टू हॉस्पिटल, जैसे चेयर क्या होता है, चेयर से रिलेटेड अगर फर्नीचर है तो कप को हम क्या बोलेंगे, कप होता है क्रॉकरी, एमिटर किस चीज का डिवाइस है, तो वो करंट जो मेजर करते हैं उसका डिवाइस होता है, तो जैसे एनिनोमीटर ये किस चीज का डिवाइस होगा, तो ये विंड जो होता है उसका पावर मेजर करने का होता है, अगर चाइना की कैपिटल बीजिंग है तो बांग्लादेश की क्या है, तो ये ढाका, और लॉयर अगर कोर्ट से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिक कहाँ पे होते हैं, तो वो गैरेज में होते हैं, तो ये सब रिलेटेड चीजें हैं जो कि वर्ड एनालॉजी में आता है। अभी नेक्स्ट टाइप है नंबर एनालॉजी, मतलब क्या है, पजल दैट कंपेयर्स टू सेट्स ऑफ नंबर्स टू डिस्कवर हिडन रिलेशनशिप्स। अभी इसमें पजल सॉल्व होंगे, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर है उसका रिलेटेड कोई दूसरा नंबर दिया है, तो नेक्स्ट जो एक पेयर होगा उसमें उसका कहाँ पे रिलेशन होता है वो हमें पता चलेगा, जैसे ये एग्जाम्पल है कि 3 2 6, तो ऑफकोर्स 5 2 10 वही रिलेशन आएगा, वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, इनकेस अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाता है तो 3 2 6 होगा, इन मतलब 5 2 ऑफकोर्स 10, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक चेंज भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शंस देख के पता चलेगा। तो नंबर एनालॉजी में भी बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो कि आपको सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये कुछ फिक्स नहीं है कि बस यही 4 टाइप के होंगे, लेकिन जो भी हो सकता है मैं आपको ट्राई करूंगी कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कौन से टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो फर्स्ट ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हाँ, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इवन एंड ऑड नंबर्स, स्क्वेयर एंड क्यूब रूट नंबर्स, तो ये सब आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इवन ऑड नंबर्स, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और स्क्वेयर एंड क्यूब जो होते हैं, स्क्वेयर क्यूब रूट्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा बेसिक बेसिक आपको लर्न होना चाहिए, मतलब किसका कौन सा स्क्वेयर है या क्यूब कौन सा है, तो वो अगर आपको आता है तो ये बहुत ईजी रहेगा, मतलब काइंड ऑफ मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक ही इसमें वो आ जाता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे अभी ये आप देख रहे हो, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है, तो ये आपको दिख रहा है, जैसे 2 का अगर रिलेशन 6 से है तो 3 का कैसे होगा, तो अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो 2 प्लस 4 6 होता है, मतलब 3 प्लस कितना होगा, 3 प्लस 4 कितना होगा, तो 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 7। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी देख रहे हैं हम लोग, तो 10 माइनस कितना है कि 6 होगा, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 होता है, तो 8 माइनस 4 कितना, तो 4 आएगा इसका आंसर। अभी अगर यही यही चीज हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो मेथड से देखेंगे, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 4 का अगर रिलेशन 12 से है तो 6 का कैसे होगा, तो रिलेशन देख सकते हैं क्या है, 4 का रिलेशन 12 से कैसे आ रहा है, तो 4 3 12 मतलब 6 3 कितना, तो 18, तो यहाँ पे आंसर आएगा 18। और ये एक डिवीजन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 24 का रिलेशन अगर 4 से है तो 36 का कैसे होगा, कौन से नंबर से होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 6 आएगा, तो डेफिनेटली हम लोग 36 को 6 से डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 6 6 36, तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 36।
आई होप आपको ये थोड़े थोड़े लॉजिक समझ में आ रहे हो। अभी इवन ऑड नंबर का हो सकता है, जो कि डिफर करता है कि क्या लॉजिक आएगा उसमें, तो वो आपको देखना है टाइम पे कि क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे अभी ये 10 to 18 ये रिलेशन है, अभी इसमें कोई इवन नंबर ऐड किया हुआ है। 10 to 18 का जो रिलेशन है उसमें कोई इवन नंबर ऐड किया, मतलब क्या अगर 10 + 8 किया गया तो 18 आएगा। तो हम लोग सेम यहाँ पे भी करेंगे, 6 + 8 कितना होगा, तो 14। तो जो आता है आंसर वो 14 आएगा वहां पे। वो ऑप्शंस में आपको जो दिखता है वो आप सिलेक्ट करेंगे जो आपको सही लग रहा है आंसर। अभी यहाँ पे है माइनस का कुछ किया हुआ है, जैसे अभी 13 to 21 कैसे रिलेशन आ रहा है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं 21 - 13 क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 8 आता है, तो अभी 19 19 में 8 ऐड करके देख सकते हैं कि क्या आंसर है। तो अभी यहाँ पे आएगा 27, मतलब क्या होगा अगर 13 belongs to 21 तो 19 belongs to 27। एक मिनट, हाँ ओके तो हम लोग स्क्वेयर एंड क्यूब रूट वो वाला डिवीजन देख रहे थे। तो अभी हम लोग ये नंबर्स देख सकते हैं, पेन पेन गेला। हाँ तो ये अभी देख रहे हैं हम लोग क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये एग्जांपल 9 का 3 से क्या रिलेशन है, 9 का 3 से मतलब 9 कैसे रिलेट कर रहा है 3 से। तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 25 का किस नंबर का स्क्वायर रूट है वो देखना है। तो 25 स्क्वायर है 5 का, मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे आएगा 5। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है 64, ये क्यूब का एग्जांपल है। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस कि नंबर्स में क्या डिफरेंस दिखता है। जैसे अगर एक बड़ा नंबर है और थोड़ा उसमें कम डिफरेंस है, तो वो हो सकता है कि उसमें स्क्वायर का हो। अगर बहुत ज्यादा नंबर्स में डिफरेंस है तो वो क्यूब क्यूब हो सकते हैं। तो आप ये लॉजिक भी देख सकते हैं उसमें,
या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे दिया नहीं होगा कि ये स्क्वायर का पैटर्न है या कौन सा पैटर्न है, तो वो आपको खुद से लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पे। तो अभी ये 64 क्या है, 64 है क्यूब। क्यूब किस चीज का, 4 का क्यूब, मतलब 4 × 4 × 4 64 होता है। तो 125 है वो कौन से नंबर का होगा, 125 है 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5 मतलब ये होता है 125। हाँ थोड़ा टेक्निकल इश्यू है तो थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं आ जाएगा। हाँ तो अभी ये मैं क्यूब का पैटर्न बता रही थी, यहाँ पे स्क्वायर का पैटर्न है, यहाँ पे क्यूब का है। अभी हम लोग स्क्वायर का देखेंगे, 6 और 36 कैसे रिलेट करता है। तो 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है, मतलब यहाँ पे अभी अगर 8 का रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 8 का स्क्वायर क्या है, तो 8 8 64, मतलब यहाँ पे आंसर होगा 64, मतलब 8 का जो स्क्वायर है वो 64 यहाँ पे आंसर में आया। अभी अगर 10 का स्क्वायर 100, तो 11 का कितना है, 121। तो वो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब्स, वो सब थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। बेसिक बेसिक भी आप जो कर सकते हैं तो वो आ जाएगा, मतलब प्रैक्टिस के साथ आपको सब कुछ आ जाएगा। तो मैं होप करती हूँ कि अब तक आपको कुछ समझ में आ गया हो। अभी ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आप लोग आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में तो जरूर ट्राई करो, मैं भी आपके साथ हूँ ट्राई करने के लिए यहाँ पे आंसर्स। तो मैं आपको थोड़ा कुछ टाइम दूंगी, आप सॉल्व करके बताओ चैट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके हाँ मुझे आंसर्स आ रहे हैं। तो कौन सा लॉजिक फॉलो किया यहाँ पे, अगर 1166 मतलब क्या, 1166 तो 15 6 कितना होगा, 90। तो यहाँ पे आंसर है 90, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये वर्ड एनालॉजी का है, वर्ड्स आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर आप ट्राई करो कि क्या हो सकता है। हाँ प्रशांत कुमार का आंसर राइट है, ये इसमें एक्ट है, मतलब क्या, जैसे एंथम को हम सिंग करते हैं, राइट, एंथम गाया जाता है। तो एक्ट क्या, प्ले क्या होता है, तो प्ले हम एक्ट करते हैं ना, तो आंसर आएगा एक्ट। अभी आपको देखना होगा कि लॉजिक थिएटर भी रिलेटेड लग रहा है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे, क्या बताया गया है, एंथम को गाया जाता है तो प्ले को क्या किया जाएगा, थिएटर नहीं किया जाएगा, तो एक्ट होता है प्ले, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर बताइए। ओके स्वप्निल, संदेश, उज्ज्वला, हाँ वेरी गुड। तो ये सभी का आंसर राइट है, जैसे जैसे 8 belongs to 64, मतलब क्या है, 8 × 8 64,
ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे कौन से लॉजिक्स आ सकते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर टाइम है बहुत तो, कि 64 क्या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्क्वायर है या मल्टीप्लिकेशन, कौन सा लॉजिक फॉलो होता है। यहाँ पे स्क्वायर का भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको 12 के लिए वैसे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो वो स्क्वायर का आएगा। मतलब अगर इन केस 8 का स्क्वायर अगर यहाँ पे 64 दिख रहा है और आपको लगा कि अगर 12 का भी स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है अगर स्क्वायर स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पे लगा तो यहाँ पे है कि ऑप्शन नहीं है। मतलब नहीं है तो हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का, तो 8 × 8 = 64। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया है 8 से, तो 12 8 जा कितना होगा, 96, राइट। तो इसका आंसर है 96। अभी ये क्वेश्चन 4, इसका आंसर बताइए। हाँ ओके, कुछ लोग का आंसर्स आ रहे हैं जैसे कि एम्फीबियन ऑप्शन ए, तो यहाँ पे हम लोग पहले कैटेगराइज करेंगे इसको एम्फीबियन में, तो वो कैसे। अभी व्हेल क्या है, व्हेल क्या है, तो व्हेल एक मैमल है, ठीक है, तो वैसे ही फ्रॉग क्या हो सकता है, तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो कि पानी में रहता है, मतलब एम्फीबियन कैटेगरी में आता है, तो वो रेप्टाइल नहीं है, एव्स नहीं है, तो इस लॉजिक से ये एम्फीबियन होते हैं। अभी इसका आंसर बताइए क्वेश्चन 5 कि ये क्या होगा। ओके, भारती, प्रशांत कुमार साहू, अनाया, हाँ तो ओके, तो यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो होता है। अभी देख पा रहे हैं आप कि 2 का क्यूब हो सकता है 8, या फिर मे भी हो सकता है 2 में कुछ ऐड किया हो उसके बाद 8 आया हो, तो कौन सा लॉजिक फॉलो होता है ये आप देख सकते हैं। तो अभी 2 का जो क्यूब का लॉजिक है वो डायरेक्टली फॉलो हो रहा है, मतलब क्या है 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है, राइट। तो 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का क्यूब है 27, तो आंसर रहा सी 27। हाँ अभी इसका आंसर बताइए क्वेश्चन 6। ओके, आंसर्स आ रहे हैं समीर, साक्षी, आशीष, उज्ज्वला, अनाया, हाँ जी। तो इसका ऑप्शन होगा शटल कॉक। अगर रूक क्या होता है वो चेस में होता है, मतलब चेस में जो खेलते हैं उसमें रूक होता है, तो शटल कॉक बैडमिंटन में क्या होता है, तो बैडमिंटन में शटल कॉक है, ठीक है। अभी ये आंसर सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो होता है और आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या हो सकता है।
आप लोग जो लॉजिक यहाँ पे लगा पा रहे हैं या जो आपको लग रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, रोशन का आया मैसेज 66। उज्ज्वला 62, भूमिका 66। कोई बता सकता है आप में से कि आपने क्या लॉजिक फॉलो किया है यहाँ पे? ओके, सभी के अलग अलग आंसर्स हैं। हाँ, उज्ज्वला ने बताया है, जैसे अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा के देख सकते हैं। मे बी 6 में कॉमन, 6 का अगर आप टेबल बोलते हो तो उसमें 18 और 30 कॉमन आता है, शायद वो भी हो सकता है, या फिर और कोई भी लॉजिक हो सकता है। तो क्या होगा हम लोग अभी देखेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि 18 to 30 कैसे होता है। अगर हम लोग 18 into 2 करें तो क्या आता है, 36, राइट? उसमें से अगर 6 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 30। ओके, हो सकता है यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता हो। तो 36 into 2 क्या है, 72। अभी 72 में से अगर 6 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 66। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 66। हाँ, ओके, ये समझ में आ गया था। अभी इसका आंसर बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट अगर हार्ट से रिलेटेड है तो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है? ऑप्शन 1 बोन, ऑप्शन 2 स्किन, ऑप्शन 3 आई, ऑप्शन 3 किडनी। हाँ, ओके, बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं स्किन, यस, ऑप्शन 2। तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसे हार्ट के डॉक्टर होते हैं, तो वैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या? तो बोन, बोन का कौन देखते हैं? ऑर्थो। स्किन के कौन होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। आई के कौन होते हैं, ऑफ्थैल्मोलॉजी। और किडनी का होता है नेफ्रोलॉजी। तो अभी इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो स्किन का डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, मतलब ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। अभी ये क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इसका आंसर बताइए। अभी ओके, कुछ लोग का ऑप्शन 152 है, कुछ लोग का 128। ठीक है, तो इसमें कौन से लॉजिक फॉलो होते हैं? मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं, और अगर मल्टीपल लॉजिक्स है तो ऑप्शन में दो नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, तो आंसर कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो इसमें कौन सा लॉजिक देखते हैं? अगर 9 से सीधा 162 पे हो रहा है रिलेशन, तो 8 का क्या होगा? तो हम लोग देखना पड़ेगा पहले कि 162 और 9 का क्या रिलेशन है। मे बी हो सकता है यहाँ पे डिवीजन हो, तो क्या होगा, 9 into 18 162 होता है। ओके, तो
ये एक हो सकता है लॉजिक, या फिर और भी कुछ हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का या कुछ भी। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर को अगर डबल किया है, मतलब 9 into 18, क्योंकि 9 का डबल होता है 18, तो अगर वो किया है तो आंसर आता है 162। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि अगर 8 का डबल क्या है 8 to the 16, तो ऐसा करने पे क्या आता है, क्या 128 आता है? 128 होता है मल्टीप्लिकेशन, और 128 ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब करेक्ट ऑप्शन 128 होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर कुछ लोग ने 152 बोला है तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपने कैसे लॉजिक किया, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मतलब आप लोग फ्री है अपने आंसर्स बताने के लिए, अपने लॉजिक्स लगाने के लिए, क्योंकि रीजनिंग की यही खासियत है कि आपको डिफरेंट लॉजिक्स लगा सकते हैं, आपके अपने के डिफरेंट आइडियाज लगा सकते हैं, बस आपको करेक्ट आंसर लाना होता है, बाकी आपके जो भी लॉजिक्स है वो आप लगा सकते हैं आंसर लाने में। ओके अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, ये इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ ओके, आंसर्स आ रहे हैं। इवन नंबर के स्क्वायर है, राइट। श्रेया और सुबु, अनाया, प्रशांत, सबका 100 आंसर आ रहा है। संदेश ने, हाँ ओके, संदेश ने लॉजिक भी बताया है कि क्या है दीक्षा। ओके वेरी गुड, तो यही यही लॉजिक फॉलो होता है इसमें कि ये जो 16 है, 16 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, और 16 दूसरी बात देखेंगे कि 16 कोई चीज का स्क्वायर है, तो हाँ जो 4 एक नंबर है उसका स्क्वायर है 16, तो 36 कौन से नंबर का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 है 6 का स्क्वायर, मतलब 4 के जो तुरंत बाद आता है 6, तो वो जो दोनों इवन नंबर्स है उन दोनों के स्क्वायर्स दिखाए गए हैं इसमें यहाँ पे। तो अभी 64 कौन से नंबर का है वो आपको देखना है, जैसे 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 के तुरंत बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो 10 आता है। 10 का स्क्वायर कौन सा होगा, 100। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, और अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। 9th क्वेश्चन, ओके डिवीजन का एक बार मैं बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9, हाँ तो ओके ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि लॉजिक कौन से फॉलो होते हैं इसमें, क्या लॉजिक्स हैं वो देख सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शंस में दिखेगा आपको। 9 9 का डबल किया हुआ है यहाँ पे, 9 into 2 18 होता है, और फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ऑप्शन 162 आया, 18 into 9। ठीक है, तो ऐसा अगर फर्स्ट में किया तो सेकंड का क्या होगा, तो 8 into 2 कितना है, 16, सॉरी 16, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 into 16 कितना होता है, 128। तो ये था इसलिए यहाँ पे 128। हाँ, और क्वेश्चन 5 बोला है किसी ने, तो वो बताऊंगी। तो
अभी थोड़ा रिलेशन देख सकते हैं कि क्या क्या रिलेट होता है. अगर टू के बारे में सामने लिखा है तो कौन सा लॉजिक फॉलो हो सकता है. मे बी हो सकता है टू में कुछ ऐड किया हुआ हो तो 8 आएगा, या फिर 2 का स्क्वायर, क्यूब, जो भी हो सकता है. तो हम लोग को पहले वो देखना पड़ेगा कि अगर 2 का कुछ है यहाँ पे, 8 हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 का क्यूब होता है 8, राइट. 2 का क्यूब 8 है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि 3 का क्यूब कौन सा है. 3 का क्यूब कौन सा होगा, तो 27. तो इस टाइप से ये आंसर आया है, मतलब यहाँ पे 27 आया ऐसा. ओके, समझ में आया. हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन है. तो ये देखो, जो रूक ये चीज होती है वो चेस में होता है. चेस में अभी आपने अगर खेला होगा तो वो बहुत सारे वहां पे वो होते हैं ना, मतलब वो जो खेलने की ये चीजें होती है उसमें, तो उसमें से एक चीज का नाम होता है रूक. अभी मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ उसका, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गूगल पे जाके कि क्या है चेस में. तो वैसे ही बैडमिंटन से क्या रिलेट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है अभी आपको, तो ग्रास तो नहीं होगा क्योंकि ग्रास नहीं खेलते बैडमिंटन में, टेनिस भी नहीं. टेनिस और बैडमिंटन दोनों अलग गेम्स है, स्विंग भी नहीं है. तो शटल कॉक है, शटल कॉक बैडमिंटन में होता है, तो वो उसका आंसर है. हाँ, यस, महेश ने बताया, वही वही है, मतलब रूक हाथी इन चेस. हाँ, हम लोग, यस, हम लोग मतलब ऑप्शंस में से भी चॉइस कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है. जैसे भीम पूछ रहे, भीम रतन, कि ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं आंसर्स को, लेकिन वहां पे इतना टाइम होना चाहिए. तो फिर आपको पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक होता है. अगर नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, प्रॉब्लम. अनाया, आपको वो क्वेश्चन, तो देखो 18, सॉरी मैं क्वेश्चन देखूंगी पहले. हाँ, ये पूछ रहे हैं अनाया. ओके, तो इसमें क्या है, लॉजिक देखते हैं क्या हो सकता है. डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉलो होता है. तो मे बी ऐसे भी हो सकता है 6 3 18 और 6 5 30, लेकिन 36 के बारे में ऐसा कुछ आ रहा है क्या, तो शायद नहीं आ रहा हो. तो इसलिए हम लोग अभी दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं कि 18 into 2 कितना होगा, 36, और 36 - 6 किया तो क्या आता है 30. मतलब ये 18 और 30 का ये रिलेशन बनता है. तो अगर हम 36 को डबल करेंगे, 36 into 2, तो क्या आता है 72. और 72 - अगर 6 किया, जैसे कि पहले इसमें ऑप्शन हम लोग ने लॉजिक फॉलो किया था, तो क्या आता है, तो 66 आएगा. इसलिए यहाँ पे आंसर था 66. ओके, हर्षित, डिवीजन का ये है. अभी मैं आपको यहाँ पे कैसे बता, मतलब 1 मिनट. हाँ, मैं डिवीजन की ऐसा स्लाइड देखूंगी. ओके, हाँ, ये है हमारे पास. तो डिवीजन का देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ये वाला, 24/4. ओके, तो 4 6 = 24 होता है, मतलब 24/4 कितना, 6. तो 36/4 कितना होता है, 9, राइट. तो ये इसका आंसर होगा 9. तो ऐसे डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं वहां पे, वो आपको फाइंड आउट करना है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि वहां पे एडिशन या डिवीजन या जो भी लॉजिक है उसका नाम नहीं दिया हुआ होगा, तो वो आपको ही देखना है. जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस दिए थे यहाँ पे,
तो उस टाइप में आपको देखना है कि क्या हो सकता है वहां पे ऑप्शन. ओके, मैंने 36 बोला था. ओके, मे बी बाय मिस्टेक. हाँ, प्रज्वल, जो कि आंसर्स है उसमें से आप लॉजिक कर सकते हैं गेस, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा. अभी मैंने यहाँ पे बहुत इजी आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो मतलब आपको जस्ट लॉजिक आ जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है एनोलॉजी में, इसलिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए थे. एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है या सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैसे प्रैक्टिस है. क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपकी हो गई तो आपको वो याद आ जाएगा कि नहीं, अगर ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो होगा, और अगर नंबर्स कुछ डिफरेंट है तो कैसे होता है. जैसे अगर नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है तो वहां पे चांसेस है कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, या मल्टीप्लिकेशन का हो, या फिर अगर कम डिफरेंस दिखता है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी हो सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा. और आप लोग डेफिनेटली ऑप्शंस देख के भी जा सकते हैं, बस कंफर्म कर लेना है कि जो फर्स्ट इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है वो सेकेंड वाले में भी हो रहा हो. ठीक है. क्वेश्चन 5. टू प्लस सिक्स 8. हाँ, 3 प्लस 6 9. यस, वो भी हो सकता है. राइट. तो इसीलिए मैं वही बताना चाह रही थी कि दोनों लॉजिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे आए हैं ऑप्शंस, यहाँ पे दोनों आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाओगे तो ऐसे नहीं आएगा. मतलब कोई एक एग्जाम मतलब एक ही आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही आंसर होगा, तो वैसे दो नहीं आएंगे उसमें. तो हाँ, आपने सही बोला है, ये ऑप्शन भी हो सकता है. समीर खान 24/6. ओ हाँ, राइट. मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है इसमें, तो ये रिलेशन 6 का आता है यहाँ पे. थैंक यू समीर. हाँ, एक्चुअली 24/6 करने से हो रहा है, तो 36/6 करने से 6 आएगा. राइट. ओके. ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, या हम अभी सेशन खत्म कर सकते हैं? नेक्स्ट. ओके, तो हमारा कल का क्लास होगा जिसमें इसमें से दो टाइप्स और सीखेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट टू टाइप्स हैं वो सीखेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ने मिलेगा. ठीक है. हाँ, पीडीएफ मिलेगा, इसके नोट्स मिलेंगे, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस. तो वो अभी आज का एक सेशन और कल का एक सेशन, दोनों सेशंस के बाद में आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं. प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, तो उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है हम लोग टाइम पे मंडे को हम लोग सॉल्व करेंगे सब लोग मिलके एक वर्कशॉप में, तो तभी आपको आना है. ठीक है. ओके.
चलो ठीक है, हम लोग कल 4 बजे सेम क्लास होगा, सेम टाइम में, तो कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके, बाय बाय बाय।